dear students, today we are going to learn about science of class 3 up in unit number 6, book page number 34. Continue unit number 6. Most of the land, air and water animals are vertebrates. Zameen, hawa aur pani par bhi vertebrates hai. Vertebrates are divided further into 5 subgroups. और vertebrates को 5 subgroups में तकसीम कर दिया गया है. Vertebrates कहते हैं ऐसे जानवर जिनके पास backbone हो, यानी long bone हो back side पर, उन्हें हम vertebrates कहते हैं. और उन्हें 5 subgroups में divide कर दिया गया है. ये हैं vertebrates के 5 subgroups, जिनके नाम हैं amphibia, fish, birds, reptiles, mammals. Amphibia कहते हैं ऐसे जानवरों को जो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हों, उन्हें हम amphibia कहते हैं, जैसे कि toad, frog, alligator. इसी तरह number 2, ये भी vertebrates का group है. Fish ऐसे group, यानी जो fish कहते हैं, आप जानते हैं जैसा कि fish मछली को कहते हैं, और fish के पास भी बैक साइड पर बॉन्ड होती है, वो भी वर्टिब्रेट्स है. नंबर 3 बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स है, और ये परिंदे, बर्ड्स को हम परिंदे कहते हैं, ये हवा में उड़ने वाले जानवर हैं. नंबर 4 रेप्टाइल्स कहते हैं ऐसे जानवर जो रेंग रेंग कर चलते हो, यानी जिनके पास पाँव ना हो, जो पेट के बल चलते हों. नंबर 5 मैमल्स ऐसे जानवरों को कहते हैं जो जिनके पूरी बॉडी पर बाल हो, जो बेबीज पैदा करते हो. ये 5 ग्रुप्स है डियर स्टूडेंट्स, इन सब के पास बैकबोन होती है, और ये सब वर्टिब्रेट्स हैं, और ये वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स हैं. अगेन रिपीट कर लेते हैं, वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स हैं, जिनके नाम है एम्फीबिया, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. अब आ जाएं इनवर्टिब्रेट्स पर. इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानवरों को कहते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती. इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स, ये भी एनिमल्स होते हैं विदाउट अ बैकबोन, बैकबोन के बगैर, यानी इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये आसानी से बैठ नहीं सकते. मैनी इनवर्टिब्रेट्स हैव स्केलेटन आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी. कई इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ढांचा होता है बाहर की तरफ. सच स्केलेटन्स आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, और उनके ढांचे को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन. ऐसा ढांचा जो बाहर की तरफ नज़र आए उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और ऐसा ढांचा जो अंदर की तरफ हो उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं. जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स एंडोस्केलेटन होते हैं, और वर्टिब्रेट्स जो वर्टिब्रेट्स थे वो सब एंडोस्केलेटन होते हैं, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं, यानी उनका ढांचा बाहर की तरफ होता है. ऑल इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स. तमाम इंसेक्ट्स यानी तमाम कीड़े मकोड़े इनवर्टिब्रेट्स होते हैं. इनवर्टिब्रेट्स कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो पाँव है यानी लेग्स हैं वो जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. और कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास लेग्स यानी पाँव नहीं होते, जॉइंट नहीं होते, वो रेंग रेंग कर चलते हैं, जैसा कि अर्थवर्म, स्पाइडर, क्रैब. इन सब के पास बैकबोन नहीं होती, तो ये इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. और हमारी ज़मीन पर 97% इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेसन ख़त्म हो गया है. आप लोगों को अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड करना है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं. वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार जिनके पास बैकबोन हो, और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार जिनके पास बैकबोन ना हो. और बैकबोन कहते हैं एक लॉन्ग बोन जो बैक साइड यानी पीछे की तरफ होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और ये कई हड्डियों से मिलकर बनी होती है. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा लेसन ख़त्म हो गया है. इसकी एक्सरसाइज के साथ जल्द हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.